सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एंड्रॉइड और आईओएस को लेके तो हम सभी काफी एक्साइटेड रहते हैं कि भैया नया अपडेट कब आएगा, नया वर्जन, नए फीचर्स कब, कहां, कैसे, कौन से फोन में हम सभी यूज कर पाएंगे। लेकिन आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं KaiOS के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना ये बात तो खैर आप सभी जानते होंगे कि जो KaiOS है वो हमको कौन से फोन में मिलता है। जी हाँ, बिना सोचे आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है जियो के जियो फोन की और नोकिया के 8110 की, जो कि था भैया वो कर्वी बनाना स्टाइल का फोन और कुछ इसी तरह के और फीचर फोन्स की। लेकिन आप ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंडिया में मोबाइल OS मार्केट शेयर की, तो नंबर वन पे तो खैर ऑफकोर्स मिस्टर एंड्रॉयड विराजमान है, लेकिन नंबर टू की पोजिशन जहाँ पर दोस्तों एप्पल टिका था पिछले काफी टाइम से, उसको पछाड़ के KaiOS आ पहुंचा है यहां पे, जहां पे 4% से भी ज्यादा का दोस्तों मार्केट शेयर ले लिया है और ऐसे में भी आगे है iOS नंबर 3 पे। और कब, अभी यार 1 साल 1.5 साल दोस्तों पहले आया है KaiOS। और ऐसे में अगर आपसे बात करता हूँ ग्लोबल नंबर्स की, तो इनके पास में 80 मिलियन का यूजर बेस है, मतलब यार बहुत एक बड़ा नंबर है। अब दिमाग में सवाल यही कि आखिर ये KaiOS क्या है या इसका क्या फायदा है और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि इसको गूगल ने $22 मिलियन की फंडिंग भी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बात कुछ ऐसी है कि अगर आपसे बात करता हूँ स्मार्टफोन सेल्स की, तो इंडिया में तो ठीक है ये हर साल हल्का 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 बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया भर में दोस्तों जो मेजर मार्केट्स हैं वहां पे ये फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, जहां पे कुछ ना बढ़ोतरी है ना कुछ गिरावट है। और आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्मार्टफोन को छुआ तक भी नहीं है, वो मतलब दोस्तों यूज करते हैं आज की डेट में भी फीचर फोन, जहां पे वो बिल्कुल एकदम डम फोन है, कॉल और मैसेज के अलावा कुछ वहां पे हो नहीं पाता है। तो यहां पर दोस्तों ये जो KaiOS है ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फीचर फोन्स के लिए, जो उनको स्मार्टफोन का जो है वो एक तरीके से मतलब काफी सारी ताकत दे देता है काफी अच्छे तरीके से। मतलब अगर दोस्तों आपसे बात करता हूं लेट्स से जियो फोन की, अब भैया जियो फोन है तो एक फीचर फोन, लेकिन आपको दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो, चाहे वो गूगल मैप्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, मतलब आप जो है वो कुछ कुछ हद तक अपना काम कर सकते हैं। अगर आप करते हैं कंपेयर भैया उसको एक स्टैंडर्ड फीचर फोन से, तो मतलब उसको कंपैरिजन है ही नहीं। फिर चाहे हम बात करते हैं वाईफाई की या NFC की या ब्लूटूथ वगैरह की, तो आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं KaiOS में। मतलब उसको कनेक्टिविटी है उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और यहाँ पे जो सबसे मेजर इसकी जो दोस्तों जीत होती है वो इसी फेवर में है कि यहाँ पर दोस्तों ये HTML5 जो है इसका वेब स्टोर है वो काफी दोस्तों एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है डेवलपर्स को कि वो अच्छी पावरफुल वेब एप्स बना सकते हैं KaiOS के लिए। और ऐसे में दोस्तों जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, 256 MB की भी अगर रैम होगी तो भी ये बड़े आराम से काम करेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो KaiOS की ताकतें हैं यही इसको इतना पॉपुलर बनाती हैं कि भाई अभी देखो सभी लोग जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है एक स्मार्टफोन यूज करने के लिए, फिर चाहे दोस्तों उसको अफोर्ड करने के लिए कॉस्ट एक फैक्टर हो, चाहे दोस्तों हो सकते हैं कि कोई जिनकी उम्र काफी ज्यादा है जो ठीक से जो है वो कंफर्टेबल नहीं है टच स्क्रीन फोन यूज करने के लिए, चाहे दोस्तों वो लोग जहां पे जिनको चाहिए बिल्कुल एकदम सस्ता सा फोन या एकदम काफी सिंपल फोन, तो ये सभी दोस्तों जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो KaiOS के फेवर में जाती हैं। और यहां पे दोस्तों बात अगर आपसे करता हूं गूगल की या फेसबुक वगैरह की, तो ये काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे ताकि दोस्तों यहां पे जो यूजर बेस है वो और बढ़ाया जा सके। मतलब भैया अगर मान लीजिए कोई इंसान पहली बार आज इंटरनेट पे आता है एक KaiOS बेस्ड फोन के थ्रू, तो यहां पे दोस्तों अगर वो यूज करता है लेट्स से गूगल असिस्टेंट को, अगर वो यूज करता है यूट्यूब को या गूगल मैप्स को या फेसबुक को या व्हाट्सएप को, तो ऐसे में उसका जो यूजर बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है गूगल और फेसबुक का। और यही रीजन है KaiOS की पॉपुलैरिटी का। मतलब दोस्तों यहां पे अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फोन्स की, तो उसमें वो जावा वाली एप्स थी जो मतलब भैया स्पेसिफिकली आप उस फोन के लिए बनाओ और पता नहीं क्या क्या हेडेक। यहां पे KaiOS में दोस्तों जो क्योंकि एकदम सीमलेस जो है वो इंटीग्रेशन है, जो Kai स्टोर है जहां पे दोस्तों आप
मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार अगर गूगल ने गूगल मैप्स को बना दिया तो उसके बाद में वो जितने भी फोन्स हैं iOS बेस्ड वो सभी तक पहुंच सकता है। तो मतलब ये दोस्तों अप्रोच है, ये फीचर फोन्स के हिसाब से काफ़ी यूनिक है और यही रीज़न है iOS की सक्सेस का। और आज के डेट में भी दोस्तों इनफैक्ट मतलब हमको लगता है ना बहुत बार कि यार मतलब हाँ हमारा स्मार्टफोन मतलब उसमें ये एंड्रॉयड पी क्यू आर पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे आज भी ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जो एक फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जिनको उसी में ही मज़ा आता है, जहाँ पे वो उसी में कंफर्टेबल हैं। या फिर दोस्तों बात करता हूँ अगर एक बच्चों के लिए फ़ोन की, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उनको जो है वो एक फुल मतलब जो है वो पावर्ड एक स्मार्टफोन दे दें, जहाँ पे हो सकता है दोस्तों उनके हाथों से कुछ मिसयूज़ हो जाए। तो ऐसे में एक iOS पावर्ड फीचर फ़ोन का मतलब ये है कि वो कनेक्टेड तो हैं, वो व्हाट्सएप पे आपसे बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फालतू टेढ़ी मेढ़ी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों ये है मेन रीजन, और ऐसे में काफी तेजी से ये फैल रहा है पूरी दुनिया में। और अभी इसमें आपको कुछ कुछ बेसिक एप्स मिल जाती हैं, हाँ अभी आपको वो कितनी मतलब जो अपने हमारे पास में है गूगल प्ले में या एप स्टोर में उतनी एप्स नहीं है, 10-15-20 जो मेन कुछ है दोस्तों नाम, वो आपको एप्स मिल जाती हैं। ऐसे में जो है वो काफी आपको जो है ऑप्शंस कनेक्टिविटी के हैं उसमें कोई कमी नहीं है, या मतलब आपको वो चीज नहीं फील होगी कि हाँ हाथ में एक डम फोन है, आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा फोन तो स्मार्ट है, देखो मैं गूगल मैप्स को यूज कर सकता हूं, या मैं असिस्टेंट को यूज कर सकता हूं, या मैं अपने फोन में यूट्यूब वीडियोस देख सकता हूं। तो ये है दोस्तों iOS की कहानी है। वैसे में देखते हैं आगे कि ये जो बूट टू गेको जो है एक इटरेशन फायरफॉक्स OS का, जो कि एक बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है iOS, वो आगे कहां तक जाता है और हमको इसमें आगे क्या नया देखने को मिलता है कौन से डिवाइसेस के थ्रू। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि थोड़ा सा संन्यास लिया जाए और एंड्रॉयड को थोड़ा साइड में, iOS को थोड़ा साइड में रख के कुछ दिनों के लिए iOS यूज़ किया जाए। तो ऐसे दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आपके भी घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप जो है वो चाहेंगे एक ऐसा फ़ोन देना जो कि हो तो एक फीचर फ़ोन लेकिन उसमें काफ़ी सारे स्मार्ट ऑप्शंस हों जिसके चलते वो बेहतर तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।